बीजेपी नेता हरक सिंह रावत को यौन शोषण के मामले में फंसाने के आरोप पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में पुलिस भी केंद्र की है, तो वो केस वापस लेना चाहे तो ले ले, बीजेपी को करना है जो भी करना है, मुझे बेवजह मामले में घसीटा ना जाए। वही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने हरक सिंह रावत मामले में साफ कहा कि इस मामले में कानून अपना काम करे। उनके अनुसार इस मामले में दिल्ली पुलिस, हरक सिंह रावत और उन पर मामला दर्ज कराने वाली महिला ही कुछ कह सकती है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने प्रदेश सरकार पर चहेती कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। मुन्ना सिंह चौहान के अनुसार शराब की बोतलों पर लगने वाले होलोग्राम का टेंडर ऐसी कंपनी को दे दिया गया जिसके सीईओ के खिलाफ सीबीआई जांच कर रही है। हल्द्वानी में पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री हरीश रावत पर हमला बोलते हुए कहा कि रेखारिया के पति गिरधारी लाल और हरक सिंह रावत, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन समेत बागी विधायक और उनके समर्थकों के साथ हरीश रावत अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। दिल्ली में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज होने के बाद बीजेपी हरक सिंह रावत के बचाव में उतर आई है। हरिद्वार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका और प्रदर्शन किया। उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ पोल खोल यात्रा निकालने जा रही है, वहीं अब कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ ढोल पोल यात्रा निकालने जा रही है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में इसकी जानकारी दी। मंत्री बनने के बाद विकास नगर में पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री नवप्रभात का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने खनन से बात करते हुए कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन खनन पर विधानसभा और मंत्री परिषद में चर्चा जरूरी है। कुमाऊं रेंज के डीआईजी पुष्कर सिंह सलाल सेवानिवृत्त हो गए हैं, जिनके स्थान पर अजय रौतेला को डीआईजी बनाया गया है। हल्द्वानी में डीआईजी कैंप कार्यालय में कुमाऊं रेंज के नए डीआईजी अजय रौतेला ने अपना पदभार ग्रहण किया। विकास नगर में दलित नेता दौलत कुंवर ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के गृह मंत्री प्रीतम सिंह का पुतला दहन किया। दौलत कुंवर का कहना है कि पुनः पोखरी में जो घटनाक्रम हुआ है कैबिनेट मंत्री प्रीतम सिंह के इशारे पर ही हुआ है। देहरादून के गुड़पानी में सभी 5 युवकों को बचा लिया गया। आपको बता दें कि ये यहाँ पानी में फंस गए थे, जिन्हें काफी मेहनत के बाद सकुशल बचा लिया गया। सीमांत क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से नगरीय इलाकों में भी जलजराव की समस्या पैदा हो गई है। खटीमा के अमाव इलाके में पूर्णागिरी कॉलोनी में पावली पूरी तरह से पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहाँ के बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे। रुद्रपुर में वकील के कार्यालय से चोरी करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 5,10,000 रुपए बरामद किए। पेयजल विभाग में कर्मचारियों को तबादलों के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। लंबे समय से पहाड़ पर सेवा दे रहे कर्मचारियों को नियमावली के अनुसार तबादलों का लाभ नहीं दिया जा रहा। नैनीताल में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा कर्मचारी संगठन ने काली पट्टी बांधकर कैंडल मार्च निकाला। संविदा कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। सावन की शिवरात्रि के मौके पर धर्मनगरी हरिद्वार में कनखल स्थित दक्ष प्रजापति मंदिर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। रविवार शाम मंदिर में जहां भोलेनाथ की विशेष आरती का आयोजन किया गया, वहीं पूरे मंदिर पर जबरदस्त लाइटिंग भी की गई। नई टिहरी शहर से सटे दर्जनों गांव में पिछले एक हफ्ते पहले दैवीय आपदा से हुए भारी नुकसान के बाद जिला प्रशासन नहीं जागा है, जिससे ग्रामीण बेहद परेशान है। उन्होंने राज्यपाल को अपनी परेशानी से संबंधित ज्ञापन सौंपा है। नैनीताल में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने हिस्सा लिया। अगस्त महीने को कांग्रेस आईटी क्रांति के रूप में मनाने जा रही है, जानकारी उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने दी। उनके अनुसार कांग्रेस के युवा इन संसाधनों का उपयोग कर पार्टी के लिए बेहतर काम कर सकेंगे। चमोली में एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर 10 श्रद्धालुओं को बचा लिया। दिल्ली और गाजियाबाद के श्रद्धालु लामबगड़ नाला और नाग मंदिर के बीच में फंस गए थे। देहरादून के प्रेमनगर इलाके में टोंस नदी के में नहा रहा छात्र डूब गया। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए छात्र को नदी से बाहर निकाल लिया। पिथौरागढ़ एसएसबी परिसर में पानी के टैंक में डूबने से एक छात्र की मौत हो गई। एसएसबी परिसर के निर्माण के लिए बनाए गए टैंक में बरसात के दिनों में पानी इकट्ठा हो गया था, जिसमें शुभम नहा रहा था। सावन के शिवरात्रि पर्व को लेकर हरिद्वार में तैयारियां जोर शोर से थी। आईजी गढ़वाल रेंज ने हरिद्वार नीलकंठ और गंगोत्री मार्ग पर विशेष चौकसी बरतने के साथ ही रूट डायवर्जन और ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दे दिए हैं। हल्द्वानी में मलेरिया और डेंगू बुखार के मरीज बढ़ने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। डीएम ने सभी निकायों में फॉगिंग और छिड़काव के निर्देश दे दिए हैं। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर हल्द्वानी रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने के संबंध में डीएम ने प्रशासनिक और रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक की। डीएम ने रेलवे अधिकारी से सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर की प्रति प्रस्तुत करने के लिए भी कहा।
अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम को स्वच्छ रखने के लिए जिला प्रशासन ने नई पहल की है। दूर दराज से आने वाले भक्तों के लिए जैविक शौचालय बनाए गए हैं। कूड़ा निस्तारण मशीन भी यहाँ लगाई गई है। रुद्रप्रयाग जिले में बारिश से केदारनाथ यात्रा बुरी तरह प्रभावित हो रही है। बद्रीनाथ और केदारनाथ जगह जगह यहाँ पर मार्ग बाधित है। वहीं श्रद्धालुओं को फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है। हल्द्वानी में बेरी पड़ाव के पास नहर में शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस भी यहां पर पहुंची और शव की शिनाख्त हल्द्वानी निवासी भूरा के रूप में की गई है। चमोली जिले के गणाई गांव में जल जंगल जमीन को बचाने के लिए एक बार फिर लोग सड़क पर उतर आए हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाताल गंगा के पास एक निजी कंपनी द्वारा हॉट मिक्सिंग प्लांट चलाया जा रहा है, जिससे लोग यहाँ पर विरोध में उतर आए हैं।